हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अब हम एवोकेशनल गाइडेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ फैक्ट है एवोकेशनल गाइडेंस। इसमें देखिए क्या होता है। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज टाइम 4 से 6 आवर पर टुडे इन स्कूल। देखो ये क्या होता है एवोकेशनल गाइडेंस। ये स्मॉल पोर्शन यानी छोटे छोटे भागों में होता है, यानी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। इसको 4 से 6 घंटे के पर डे यानी प्रतिदिन इसको उपयोग में कर ले सकते हैं, यानी 4 से 6 दिन तक इसमें गाइडेंस के रूप में काम कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द टाइम शेष, जब व्यक्ति के पास शेष समय बचता है तो नीड्स टू बी इफेक्टिवली, इसमें व्यक्ति अपना शेष समय बचता है उसको इसमें ध्यान लगा सकता है, यानी इसमें ध्यान अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। मैनेज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द चाइल्ड फॉर हिज पर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, यानी उसके पास समय बचा हुआ है तो उसको उपयोग में ले सकता है, एंड हिज प्रोग्रेस, और वो अपने कार्य में प्रगति कर सकता है, एंड डेवलपमेंट, और विकास कर सकता है। तो उसे कहेंगे अपन एवोकेशनल गाइडेंस। जैसे व्यक्ति बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में 4 या 5 घंटे अध्ययन करने के बाद उसके पास में देखो वो 4-5 घंटे के समय उसके पास कौन सा समय होता है, ये एवोकेशनल का समय होता है। लेकिन उसके पास जैसे ही समय समय बचता है, जैसे घर आता है, तो वो क्या करता है, एवोकेशन 4-5 घंटे का समय को वो वापिस रिपीट करेगा, क्या करता है, रिपीट करता है, और उसको यूटिलाइज करता है, उपयोग में लेता है, और उससे फिर उस कार्य से उस व्यक्ति की क्या होती है, उस बच्चे की डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस में भागीदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस क्या होता है, देखो इनमें कुछ नहीं है, आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, यानी स्मॉल पोर्शन आ जाए, यानी 4 से 5 घंटे के अध्ययन के बाद बच्चे के पास समय बचता है उसको उपयोग किसमें करेगा, एवोकेशनल गाइडेंस में यूज करेगा। आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ पॉइंट फैक्ट यहाँ पे देखने हैं। अगर वो सोशल गाइडेंस कहता है, इसमें सामाजिक रूप से कार्य किया जाता है, यानी ये इनफॉर्मल गाइडेंस हो सकती है। इसे क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मेशन गाइडेंस कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें फैमिली आ जाती है, रिलीजियस आ जाता है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आ जाता है, मीडिया आ जाता है ना, स्कूल आ जाती है, ये सब किसमें आते हैं, सोशल गाइडेंस में आते हैं। एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन का रूप इसमें दिया जा सकता है। इन मिनिचर सोसाइटी एंड पीपल्स आर डिफरेंट सोसाइटी, जैसे जैसे हम समाज में जाते हैं तो समाज में हर प्रकार के भिन्नताएं पाई जाती है, यानी हर समाज में 1-2 किलोमीटर पर कह सकते हैं अपन, 2 किलोमीटर बाद में हर बोली बदल जाती है, यानी कहने का मतलब हर समाज में 2 किलोमीटर के अंतर्गत बोली का बदलाव हो सकता है। तो इसे अपन कहेंगे सोशल गाइडेंस। क्या कहेंगे, सोशल गाइडेंस कहेंगे। इसके बाद में आता है मॉरल गाइडेंस। मॉरल गाइडेंस क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अपन नैतिक विकास विकास देते हैं, यानी उसके नैतिक नैतिकता से संबंधित, नैतिक आचरण संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रोवाइड किया जाता है, वो आपकी मॉरल गाइडेंस कहलाती है। जैसे ड्यू टू इन्फ्लुएंसी ऑफ डिवर्स यानी होता है डिवाइस यानी विविधता, फैक्टर्स एंड स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट के सामने अमन ज्ञान की इंक्लूसिवता, ज्ञान की ज्ञान में वृद्धि कराते हैं, टेल लाइज है ना, झूठ असत्य सत्य के बारे में उसे ज्ञान करवाते हैं, एंड अनडिजायरेबल जो अनिच्छाएं होती है, सत्य असत्य है उनके बारे में हम उनके सामने प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करवाए जाते हैं, तो वो बच्चे ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, मॉरल गाइडेंस को एडोप्ट करने लग जाता है। तो इससे बच्चे की उसकी उसके लाइज एंड अनडिजायरेबल को सीखने की उसमें उत्सुकता प्रदान होती है। इसमें ये क्या होता है, हेल्प्स इन द ब्रिंगिंग दीज स्टूडेंट, और इन छात्रों को लाने के लिए है ना, इन टू द प्रॉपर ट्रैक्स, यानी उसको सही उचित रूप से उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए, एंड हेल्प इन द देयर ऑल राउंड, और उनको सभी तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए, यानी उनको हर समय पर नैतिक आचरण, जैसे विद्यालय में संडे को सैटरडे को क्या करते हैं अपन नीतिक नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानी सुनाते हैं, उनसे नैतिकता के बारे में बाल रूप से कहानी बताई जाती है ना, तो उनके सामने ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहावतें रखी जाती है जिससे उनसे क्या हो, नैतिकता का आचरण का विकास हो। तो ऐसे स्टूडेंट इसमें क्या कहलाएगी, आपके मॉरल गाइडेंस के अंतर्गत ऐसी चीजें रखी जाएंगी है ना। अब आता है आपका हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ क्या होता है, देखो हेल्थ से ये भी आपका इजी है। इसमें क्या है, व्यक्ति का जितना हेल्थ होगा, यानी हर डिपार्टमेंट में देखिए हेल्थ के बारे में व्यक्ति प्रभावशील या इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी एक कोऑपरेटिव
इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, काउंसिल हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर पूरे समाज को संभालता है ना, एक कोऑपरेटिव इफेक्ट, एक प्रिंसिपल पूरे विद्यालय को संभालता है, डॉक्टर पूरे उसको संभालता है, एंड काउंसिलर साइकोलॉजिस्ट, और एक शिक्षक मतलब ज्ञान अपने विदों को, अपने मतविदों को एक अच्छी राह देने की प्रदान करता है। टीचर्स, टीचर एक अपनी क्लास को संभालता है, एंड पेरेंट्स कंसर्न, और जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे संपूर्ण पे भूल के आधार पे इसको कार्य किया जाता है। जैसे ही शरीर में हेल्थ होता है, स्वास्थ्य के बारे में होता है, तो उसका पूरा ढांचा एक सही रूप से काम करेगा। तो यहाँ पे ये कहता है हेल्थ गाइडेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट आपका, लेशर टाइम गाइडेंस। ये क्या होता है, लेशर टाइम गाइडेंस, लेशर टाइम गाइडेंस, लेशर का मतलब अवकाश, लेशर का मतलब क्या होता है, अवकाश, है ना। ए पार्ट ऑफ पर्सनल, ये पार्ट किसका भाग है, पर्सनल गाइडेंस का भाग कहलाता है। यानी आपसे कहा जाए लेशर टाइम गाइडेंस किसका भाग है, ए पार्ट ऑफ पर्सनल गाइडेंस का, जिससे भाग को माना जाता है। द इंडिविजुअली शुड बी नो हाउ टू द यूटिलाइज, यूटिलाइज यूटिलाइज बार बार यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज मतलब उपयोग में लेना, यूटिलाइज मतलब क्या होता है, उपयोग में लेना, कि हमें इसको कैसे उपयोग में लेना चाहिए। लेशर जैसे हमारे पास संडे का अवकाश है हमारे सामने, जैसे ही 6 दिन के बाद अपन को संडे का अवकाश मिलता है, उस संडे के अवकाश में कैसे अपन समय को सदुपयोग करते हैं, वैसे इसके बारे में बताया गया है कि जैसे वो अपने समय को कैसे यूटिलाइज करता है, उपयोग में लेता है, लेशर टाइम एंड फर्टिलिटी, यानी कैसे उसको उपयोगिता में लेता है। रेफर टू, इसका मतलब होता है रेफर, अपन इसको शॉर्टकट में कैसे, लेशर टाइम का मतलब क्या होता है, फ्री टाइम्स, क्या कह सकते हैं इसे, फ्री टाइम्स, यानी इसका आप सीधे रूप में क्या कह सकते हैं, फ्री टाइम्स। ये चार प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एस्केप एक्टिविटी, यानी किसी गतिविधि से बचना, है ना, जैसे अपने गतिविधियां नहीं हुई और उन गतिविधियों से बच के अपन, यानी कहने का मतलब ये चार पॉइंट है ना लेशर टाइम के, ये लेशर टाइम का मतलब ये है कि लेशर टाइम जैसे आपके पास समय का अवकाश है, तो अपन घर पे किन किन चीजों पे लेशर टाइम को उपयोग में ले सकते हैं, ये आपको होम मतलब घर पे कर सकते हैं। एस्केप एक्टिविटी यानी गतिविधियों में बचाव करके यानी भाग ले सकते हैं, जर्नल कल्चर एंड एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रोग्राम में सामने रूप से उनमें पार्टिसिपेट करके, क्रिएटिविटी एक्टिविटी सृजनात्मक गतिविधियों में, एंड सर्विसेज एक्टिविटी और सेवाओं में ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को कर सकते हैं। किनको, यानी जब आप लेशर टाइम में फ्री हो तो ऐसे कई ऐसी एक्टिविटीज में आप काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पे ये फिनिश करते हैं, इसके बाद में नए चैप्टर लेंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर, क्लिक माई वीडियो ओके।